श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 6 विश्व रूप की सृष्टि। मैत्रेय ऋषि बोले, इस प्रकार भगवान ने महत तत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयुक्त न होने के कारण होने वाले संसार के प्रगतिशील सृजन कार्यों के निलंबन के विषय में सुना। तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बाहरी ऊर्जा देवी काली के साथ मिलकर 23 तत्वों में प्रवेश किया, क्योंकि केवल वही सभी विभिन्न तत्वों को मिलाती हैं। यों जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों में प्रविष्ट हुए तो सभी जीव जागृत होकर भिन्न भिन्न कार्यों में उसी प्रकार लग गए जैसे कोई व्यक्ति जाग कर अपने काम में लग जाता है। जब परम पुरुष ने अपनी इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को प्रेरित किया तो भगवान का विशाल सार्वभौमिक रूप या विश्वरूप शरीर अस्तित्व में आ गया। जैसे ही ईश्वर ने अपने पूरे स्वरूप में विश्व के तत्वों में प्रवेश किया, वे विशाल रूप में बदल गए जिसमें सभी लोक और सभी स्थिर और गतिशील सृष्टियां विराजमान हैं। ब्रह्मांड के जल में विराट पुरुष जो हिरण में कहलाता है 1000 दिव्य वर्षों तक रहा और सभी जीव उसके साथ सोते रहे। महत तत्व की संपूर्ण शक्ति ने विराट रूप धारण कर स्वयं को जीवों की चेतना क्रियाशीलता और आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो क्रमशः 1, 10 और 3 में उप विभाजित है। सर्वोच्च भगवान का विशाल ब्रह्मांडीय रूप पहला अवतार और परमात्मा का पूर्ण अंश है। वे असीमित संख्या में जीवों की आत्मा है और उनमें समूची सृष्टि समाई हुई है जो इस तरह पनपती है और फलती फूलती है। विश्वरूप 3, 10 और 1 द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा सभी गतिविधियों की शक्ति हैं और वे ही एक हृदय हैं जहां जीवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। परम प्रभु उन सभी देवताओं के परमात्मा हैं, जिन्हें विराट जगत की रचना का कार्यभार सौंपा गया है। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने अपने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। मैत्रेय ने कहा, अब तुम मुझसे सुनो कि किस प्रकार भगवान ने अपने असीम विशाल रूप को प्रकट करने के बाद स्वयं को देवताओं के विभिन्न रूपों में विभाजित किया। उनके मुख अथवा ऊर्जा से उत्पन्न ऊष्मा से भौतिक कार्यों के प्रबंधक अलग हो गए और उसके बाद अपने अपने पदों के अनुसार उनमें प्रवेश कर गए। जीव उसी ऊर्जा से शब्दों के द्वारा अपने को व्यक्त करता है। जब विराट रूप का तालु अलग से प्रकट हुआ तो जल तत्वों के नियंत्रक वरुण उसमें समा गए। इस प्रकार जीव को अपनी जीभ से हर चीज का स्वाद लेने की क्षमता प्राप्त हुई। जब भगवान के दोनों नासिका द्वार अलग अलग प्रकट हुए तब जुड़वां अश्विनी कुमार अपनी अपनी जगहों पर उनमें प्रवेश कर गए और इसके कारण ही जीव प्रत्येक वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। तदुपरांत भगवान के विशाल रूप की दोनों आंखें अलग अलग प्रकट हुईं। प्रकाश के निर्देशक सूर्य ने दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रवेश किया जिससे जीवों को रूपों का दर्शन हो सकता है। जब विराट रूप से त्वचा अलग हुई तो वायु के नियंत्रक देव अनिल आंशिक स्पर्श के साथ प्रविष्ट हुए जिससे जीव स्पर्श की अनुभूति कर सकते हैं। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो दिशाओं के सभी नियंत्रक देवता सुनने की क्षमता सहित उनमें प्रवेश कर गए जिससे सभी जीव सुन सकते हैं और ध्वनि का लाभ उठा सकते हैं। जब चमड़ी की अलग से उत्पत्ति हुई तो स्पर्श के नियंत्रक देवता अपने अलग अलग अंगों के साथ उसमें प्रवेश कर गए। इस तरह जीवों को स्पर्श से खुजली और खुशी महसूस होती है। जब पुरुष और स्त्री के जननांग स्पष्ट हुए तब प्रजापति जो पहले जीवित प्राणी थे अपने कुछ वीर्य के साथ उनमें प्रवेश कर गए। इस तरह जीव यौन सुख का अनुभव कर सकते हैं। तब विसर्जन मार्ग अलग हो गया और मित्र नामक निदेशक ने विसर्जन के कुछ अंगों के साथ उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र त्याग करने में सक्षम है। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ अलग अलग प्रकट हुए तो स्वर्गलोक के शासक इंद्र उन हाथों में प्रवेश कर गए और इस प्रकार जीविका चलाने हेतु जीव व्यापार करने में समर्थ हुआ। तत्पश्चात उस विशाल रूप के पांव अलग अलग होकर प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता भगवान विष्णु नहीं ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। ये जीव को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहायता करता है। जब विशाल रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा उसमें समझ की आंशिक शक्ति के साथ प्रवेश कर गए
और इस प्रकार जीवों द्वारा बुद्धि के उद्देश्य का अनुभव किया जाता है। इसके बाद विराट रूप का हृदय अलग से प्रकट हुआ और इसमें चंद्रमा देवता प्रवेश कर गया, जिससे जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। इसके बाद दैत्याकार रूप वाला भौतिकतावादी अहंकार पृथक रूप से प्रकट हुआ और उसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी आंशिक क्रियाओं के साथ प्रवेश किया, जिसके द्वारा जीव अपने उद्देश्यपूर्ण कार्यों को पूरा करता है। आगे जब विराट रूप में उनकी चेतना अलग से प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महतत्व उनके चैतन्य अंश समेत प्रविष्ट हुई। इस तरह जीव विशेष ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ होता है। इसके पश्चात उस विशाल रूप के सिर से स्वर्ग के ग्रह प्रकट हुए, उसके पैरों से पृथ्वी के ग्रह और उसके मध्य भाग से आकाश अलग अलग प्रकट हुआ। इनके भीतर देवता और अन्य भी भौतिक प्रकृति के गुणों के रूप में प्रकट हुए। सात्विक गुणधर्म से उत्कृष्टता प्राप्त देवगण स्वर्गलोक में विराजमान हैं, जबकि मनुष्य रजोगुणी स्वभाव के कारण पृथ्वी पर अपने अधीनस्थों के साथ निवास करते हैं। रुद्र के सहयोगी जीव प्रकृति के तीसरे गुण यानी अज्ञानता में विकास करते हैं। वे पृथ्वी के ग्रहों और स्वर्गीय ग्रहों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। हे कुरुवंश के नेता, विराट यानी विशाल स्वरूप के मुंह से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान को मानते हैं और इसका पालन करते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ये ब्राह्मण समाज के सभी वर्णों के जन्मजात शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु हैं। तत्पश्चात विशाल विराट रूप की बाहुओं से रक्षा करने की शक्ति उत्पन्न हुई और इस शक्ति के संदर्भ में क्षत्रिय सिद्धांत का पालन करते हुए समाज की चोरों और दुष्टों के आतंक से रक्षा करने के कारण ही क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। सभी पुरुषों के जीवन निर्वाह का साधन यानी अन्न का उत्पादन और उसके वितरण का काम प्रभु के विशाल स्वरूप की जांघों से उत्पन्न हुआ। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्यों को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तत्पश्चात धार्मिक क्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से भगवान के पैरों से सेवा उत्पन्न हुई। पैरों पर स्थित शूद्र होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को संतुष्ट करते हैं। ये सभी विभिन्न विभिन्न सामाजिक वर्ग अपने अपने व्यावसायिक कर्तव्यों और जीवन स्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पैदा होते हैं। इसलिए बिना शर्त जीवन और आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी चाहिए। हे विदुर, परमात्मा की आंतरिक शक्ति से प्रकट हुए विशाल रूप के दिव्य समय कार्य और शक्ति का अनुमान या मापन कौन कर सकता है? गुरु से मैंने जो कुछ सुना और जितना ग्रहण कर सका उसे मैं अपनी अपूर्णता के बावजूद शुद्ध वाणी से भगवान की महिमा गाने में लगा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरी वाणी सदैव अपवित्र बनी रहेगी। मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्रकर्ता की कार्यकलापों और महिमा की चर्चा में रमना है। ऐसे कार्यकलापों को महान विद्वान ऋषियों ने इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध किया है कि कान का असली प्रयोजन केवल उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा ने 1000 दिव्य वर्षों तक ध्यान लगाया, लेकिन वे केवल इतना ही जान पाए कि परम आत्मा की महिमा को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यकारक शक्ति तो जादूगरों को भी चकित कर देने वाली है। ये शक्ति तो आत्मराम भगवान को भी अज्ञात है, तब अन्य लोग इसे कैसे जान सकते हैं? शब्दों, मन और अहंकार समेत उनके संबंधित नियंत्रक देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। इसीलिए हमें अपने विवेक का उपयोग करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना चाहिए।